दोस्तों जब एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने इंडो पाक बॉर्डर कमीशन के हेड साइरिल रेडक्लिफ से इंडो पाक बॉर्डर पे बात करी तो रेडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया और वो ये कि मैंने आपको लगभग लाहौर दे ही दिया था। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पहले सबको पता था कि लाहौर भारत को मिलने वाला है, क्योंकि 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40% थी, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में उनकी ओनरशिप 80% तक थी। लाहौर बंटवारे के पहले डाइवर्सिटी का प्रतीक हुआ करता था और ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा रहता था। पर सवाल यह है कि फिर लाहौर पाकिस्तान में गया कैसे? रेडक्लिफ ने एक अजीब सा जवाब देते हुए कुलदीप नायर को कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, कोलकाता तो मैंने इंडिया को दे ही दिया था तो सोचा लाहौर पाकिस्तान को दे दूं। अब आप खुद सोचिए कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देने वाले इस डिसीजन के पीछे इतना इमैच्योर रीजन कैसे हो सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।